अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। आपको पता है उर्मी दीदी के ससुराल जब आएंगे ना वो बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये रंगोली उनके स्वागत लाने हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पर तुम अब अंदर जाओ, बीसीओ काम पड़े। ठीक है बाबूजी। अरे मुन्ना, ये लाइट अभी तक क्यों नहीं लगी यहाँ पर? अंदर भी सजाना है, मेहमानों के आने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। फुर्ती से हाथ चला मुन्ना, उर्मी की होली के समय ज्यादा समय नहीं बचा है। अरे ये खंबा खाली क्यों, सजाया क्यों नहीं? ऐसे गेंदे की लड़ी लगाओ ना इसमें। मालिक वो क्या है कि फूल खत्म हो गया था, अभी मंगवाए, बस 2 मिनट दीजिए, लड़ी लगा के लगा देते हैं। भैया जल्दी जल्दी करो, काम बहुत बाकी है। हाँ जल्दी करो। और क्या काम बाकी है दीदी, यहाँ का काम तो सब हो गया। रसोई में हलवा और खीर देख लो जरा। ओहो बाहर कितना काम पड़ा है, मोड़े हाथ नहीं चला रहे। हमको दीजिए। ये लो, ये भी लो, पानी दो मुझे। जी। जी क्या हो गया साडू भाई को, दीवार पर छिपकली की तरह क्यों चिपके? साली दी ग्रेट ने सजा तो नहीं दे दी आपको? अरे कहा जिया जी, ये तो इतने सीधे साधे हैं, कोई काम ही नहीं गलत करे जो सजा मिले इन्हें। बाकी आपको हमारी दीदी अभी तक नहीं सीधा कर सकी, आप रत्ती भर भी नहीं बदले फेरों के दिन से आज तक। साली जी हम बदलने वाले मर्द नहीं है। हाँ साडू भाई का केस थोड़ा अलग है, शादी के बाद से आपने इन्हें इतना डरा के रखा है कि बेचारे छींक भी मारे तो एप्लीकेशन देके पूछना पड़ता आपसे मारे। भाई साहब आपने बिल्कुल सही कहा, शादी के पहले अगर हमें मिले होते तो हम भी आपका मार्गदर्शन लिए होते। वो क्या है ना कि हमें गुरु मंत्र नहीं मिला तो इनके इशारों पर नाचना पड़ता है हमें। सही कहा ना धर्मपत्नी जी। साडू साहब अभी भी देर नहीं हुई है, भाई अध्यापक हूँ, पूरी दुनिया को पढ़ाता हूँ, आपको भी दे दूंगा एक स्पेशल ट्यूशन, यहाँ आइए। अरे भाई हम तो आपकी ट्यूशन लेने के लिए तैयार हैं, आप हमें ट्यूशन दो। आप भी ना अभी उम्र में हमारे बहनोई जी को भड़काइए मत, सारी दुनिया आप जैसी हो गई तो कल्याण हो जाएगा इस पूरी धरती का। बहू जी, दामाद जी के लाने जो सामान देना है ना उसी में रख दे जी। ये उर्मी के दादाजी की है, शुद्ध चांदी की। उर्मी के दादाजी उर्मी को बहुत प्यार करते थे, तो ये समझ ले कि उर्मी के दादाजी की तरफ से उर्मी के पति को। जी अम्मा, जे कहा है कभी बताया नहीं, कभी दिखाया है कहा जे? जे बेटा घर के दामाद जी की होवे है, कहते हैं जे बुरी बला से बचा के रखे है। ले बहू। अम्मा हम आप ही को बुलाने आ रहे थे। हाँ? वो पूजा का सारा सामान आ गया है, आप एक बार देखकर तसल्ली कर लेती तो अच्छा रहता, देखेगा कहीं कुछ छूट न जाए। आप बैठिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए। और सुन ना उनको खबर करी कि नहीं शाम के लाने? जी हम बोल दिए हैं। भाभी वो खीर के लिए चावल निकाल दीजिए, निर्मला बता देगी। निर्मला अरे तुम जाओ मैं अभी आती हूँ, दूध चढ़ाए रखना, पकने देना लाल होने तक। ठीक है। बहू जी जे चांदी का सिक्का भी इसी में रख। जी अरे ये पूजा के लिए सुपारी और कच्चा सूत मंगाए थे, नहीं लाया, भूल तो नहीं गए? दिमाग से फिसल गया, लेकिन बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दे दिया है, शाम तक आ जाएगा, और तुम चिंता मत करो सब हो जाएगा। सब हो जाएगा का क्या मतलब है? हाँ ओली भराई की रस्म आज है हमारी बेटी की, और आप कह रहे हैं चिंता ना करें, हम शादी की पहली रस्म है, पता है ना आपको, आप ना भूले इसीलिए बाकायदा लिस्ट हमारी थी आपके हाथ में, तब भी आप भूल गए। दरअसल हम लिस्ट ले जाना ही भूल गए। अरे लिस्ट तो हमने ये देखिए अम्मा। ये क्या बात हुई बेटा? अरे दीदी जी आप चिंता ना करो, हम मार्केट चले जाते हैं, आप जे बताओ कि कहाँ बचा है कहाँ लाना, हम मार्केट से लेके आ जाएंगे, दीजिए हमें। अरे अभी कहाँ आप मार्केट जाएंगे, त्रिशा की गाड़ी का समय हो रहा है, आप उसे जाकर ले आइए ना स्टेशन से। अरे दीदी जी हमारी बिटिया है ना बहुत बहादुर लड़की है, अरे जब वो इंदौर से यहाँ अकेले आ गई तो कहा स्टेशन से घर नहीं आ सकती? आप चिंता ना कीजिए वो तो आ जाएगी। अरे ये दीजिए। नहीं आप बैठे मजे से चाय पीजिए, हम सामान किसी और से मंगवा लेंगे। ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अम्मा
गौरव कहाँ भाई, किस तरफ? पापा हम जल्दी आ जाएंगे, अब कुछ छोटी सी एक मीटिंग करनी है और एक दो लोगों को कार्ड देना है। अरे कम से कम आज के दिन तो चैन से बैठ ले घर में मोड़े, आज तेरी बहन की ओली भरने की रस्म है, एक कही भाई वो भी फरार। अरे दादी बहुत देर के लिए नहीं जा रहा हूँ, बस एक दो घंटे में काम करके वापस आ जाऊंगा। रुके 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 रुके, मैं मुझे आने दीजिए। ये लीजिए, हमारे मायके और जो ललितपुर वाले चाचा जी है ना, उनका नहीं होता है। देखिए वो लेगा, बिल्कुल मत ध्यान से कुरियर कीजिएगा, ठीक है? आज हम बहुत ही बिजी, हमें बहुत सारा काम है, साड़ी का फॉल लगवाना है, ब्लाउज टाइट करवानी है। ब्लाउज टाइट से आ जाओ, जो हमारा टेलर है ना बिल्कुल पागल है, उसने हमारा ब्लाउज ही ढीला सिल दिया, ये क्या बात हुई? खड़े खड़े आप मेरी बातें क्या सुन रहे हैं, जल्दी लीजिए। ओफो रश्मि, अब ये नया काम हमें मत पकड़ो। अरे लेकिन, अरे फोन करके बोल दो ना सबको, और वैसे भी तुम्हारे बुआ और फूफा जी की तरफ से तो न्योता गया ही होगा उनके पास, आखिर उनके बेटे की भी तो शादी है। माँ जी सुन रही है इनकी उल्टी सीधी बातें, समाज दुनियादारी सब कुछ छोड़ने का मन है जय साहब का। अरे ऐसे तो सारे रिश्तेदारियां सूली पे चढ़ाए देंगे जय। गौरव बहू बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हारी ससुराल है वो, हमारी तरफ से तुम्हारा उन्हें न्योता देना बनता है, समझो। अच्छा बेटे को छोड़ अब बहू की साइड ले रहे हो? अरे बेटा बहू ने काम ही ऐसा किया है कि उस पे तो गुमान करना ही पड़ेगा। उर्मी का रिश्ता अपनी फूफी के लड़के से करा के, इतने बड़े और इतने अच्छे परिवार से हमारा संबंध जुड़ेगा, उसका तो मान होना ही चाहिए ना। ठीक है बाबा दे दो। लो दादी, हमारी उर्मी राजकुमारियों की तरह राज करेगी पूरी जिंदगी, हमारा भाई लाखों में एक है, लाखों में एक। आपको पता है आगे पीछे लाइन लगती थी उसके लिए, ये तो हम है, हमारे एक ही बोलने पे सम्राट ने हाँ कह दी उर्मी के लिए। इसे कहाँ उर्मी और कहाँ सम्राट, चार चार होटल चलते हैं। ऐसे तो हमारा फेरा भाई है लेकिन सगे भाई से बढ़कर है, आप कुछ भी कहिए, हमारे चलते उर्मी के तो भाग जग गए। ये बात तो है बहू, लेकिन शादी ब्याह जोड़े रिश्ते सब नसीब की बात होती है, और उर्मी के भाग में जय ही लिखा था। अरे लेकिन जाको ओली की रस्म है, जाको इतना चर्चा है, वो मोड़ी है कहाँ? अरे हाँ उर्मी है किधर, बहुत देर से देखा नहीं हमने भी उसको। अरे बेटा अपनी लड़की को नहीं जानते का, आज सोमवार है, शिव जी के मंदिर गई होगी मोड़ी, और कहाँ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, हमने जैसा वर मांगा था आपने बिल्कुल वैसा ही दिया, घर परिवार भी बहुत अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, बस एक इच्छा और है, एक आखिरी इच्छा। हम जानते हैं आप सोच रहे होंगे कैसी लड़की है, इसकी इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती, पर प्रॉमिस ये लास्ट है, इसके बाद हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। वैसे ये कहने वाली बात तो है नहीं, पर हम चाहते हैं हमारे पति के अटूट प्यार के साथ साथ हमें उनका सम्मान भी मिले, उनकी नजरों में हमारी इज्जत कभी कम ना हो। भगवान हम दोनों का रिश्ता भरोसा और प्यार की ऐसी मिसाल बन जाए कि हम उन पर और वो हम पर अभिमान करें। हम जानते हैं आप हमारी बाकी इच्छाओं की तरह इस इच्छा को भी जरूर पूरी करेंगे और मन्नत खोलने के लिए जरूर बुलाएंगे, है ना? दीदी हो गया कि और भी कुछ बाकी है? क्या दीदी, कितना पकाती हो तुम भगवान जी को, तुम्हारी मांगने की लिस्ट कभी खत्म होगी? एक घंटा हो गया है, अब तो चले घर। गजब हालत है तुम्हारी अनुष्का, हम भगवान को ठीक तरीके से थैंक यू भी ना बोले। हाँ हाँ बहुत थैंक यू बोल रहे हो आप तो, थैंक यू बोलने के साथ साथ एक और मांग जोड़ लेते हो। पेड़ को देखिए, आपके नाम के यू से भरा पड़ा है, आधी जिंदगी इसे बांधने में निकल गई, अब आधी ना इसे खोलने में बीत जाएगी। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी भगवान को कुछ देने का कोई लिमिट थोड़ी ना है। अरे त्रिशा दीदी आने वाली थी, शायद आ भी गई होगी।
अरे हाँ, टाइम क्या हुआ? अरे उसकी ट्रेन भी पहुंच गई होगी, ला। उर्मी? हाँ उर्मी बोलो। मैडम कहाँ है आप? बस झांसी की धरती पे कदम रख दिए हैं मैंने। थोड़ी देर धरती हिली भी थी, तुम्हें पता नहीं चला? हाँ हाँ बिल्कुल पता चला, तभी तो आपको फोन लगाया। अभी हम तुझे लेने आ जाए, मैं और अनुष्का शिवजी के मंदिर से निकल ही रहे। नहीं 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 नहीं, मैं ऑलरेडी ऑटो ले चुकी हूँ और आधे रास्ते पहुँच भी गई हूँ। लेकिन तुम बाहर क्या कर रही हो? घर पहुँचो मैडम और मेकअप शेकअप लगाओ, आजकल तो तुम्हारी डिमांड है, शादी हो रही है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, तब तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ जल्दी कर रही हूँ, और तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे अपने होने वाले जीजा जी को देखने की है। अब तुम फोन रखो और मैं घर जल्दी से पहुँचती हूँ। ओके बाय झांसी की रानी, जल्दी आ जाओ। बाय। क्या हुआ भैया? लगता है ऑटो खराब हो गया है। आप एक काम कीजिए मैम साहब, दूसरा ऑटो ले लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ तक के कितने हुए भैया? आप 20 रुपए दे दीजिए। 20 रुपए? ऑटो भैया नारायणी नगर चलना है। चलिए। कितना लोगे? 100 रुपया। 100 रुपए? भैया 80 रुपए होते स्टेशन से, और यहाँ तक के मैंने 20 रुपए दे दिए, 60 रुपए में चलोगे? आजकल महंगाई देखिए कहाँ जा रही है, 100 से कम नहीं पड़ेगा मैडम, मर्जी आपकी है। 60 रुपए में छोड़ दे मैडम। अरे ले जा भाई ले जा, जो प्यार से दे मैडम वो रख लेना। अरे हम तो फ्री में पूरा शहर घुमा दे, ये एक का इनकी हो तो। सोच कर है दाऊ, ले जाओ, तुम्हारी तो चांदी है आज। बच्चा एक बात बताओ, हम कहा नहीं बने ऑटो रिक्शा वाले, हम भी ले लेंगे, उसमें क्या है? नखरा तो देखो लाला, अच्छा बम वाला। बिल्कुल सही। क्या बोला, वापस बोल बदतमीज। वही जो आपने सुना मैडम जी। पुलिस थाने लेकर चलूंगी, 4 डंडे पड़ेंगे ना, सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। आपके लिए तो प्यार से डंडा भी खा लेंगे बस एक बार। बहुत ही घटिया लोग हो तुम लोग। ये तो बिना तलवार के झांसी की रानी है। ये बात तो है भाई। नहीं जाती तो काट ही देती भैया। बिल्कुल सही कहा भाई। मुझे मजबूर मत करो कि मैं पुलिस को बुलाऊं। अच्छा बुला लीजिए पुलिस, क्या हो जाएगा उससे? ऐसे डंडे पड़ेंगे ना कि याद रखोगे। काय तमाशो लगा है भाई, कोई ठुक गए हो का? कोई लेडीज है यार, छेड़खानी हो गई का? लग तो है सही रहो है। तुम लोगों को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप जैसे लोगों के मदद से अच्छा है कि मैं अकेली चली जाऊं पैदल। यार ये पब्लिक बिना। तो हेलो क्या हो रहा है आगे? अरे कोई लड़की के वास्ते यहाँ जाम लगा हुआ है। तो ऑलरेडी लेट हूँ, ऊपर से चढ़ लो कहीं भी डेरा जमा लो इनसे। एक मिनट भाई साहब, क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो रहा है यार, ट्रैफिक जाम कर रखा, तमाशा हो रहा है यहाँ पे, क्या बात है? ये लोग कब से मुझे छेड़े जा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। Thank you.
यू आर अट्रैक्टिंग ट्रबल। ये इस तरह के कपड़े पहन के आप रोड पे निकलेंगी, लड़के बदतमीजी करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपकी। व्हाट? जी चलिए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू लिसन टू मी। तमाशा मत बनाइए यहाँ पे छोटी सी बात का। हो गया ना, लड़कों ने आप पे कमेंट किया, आपने चार गाली सुनाई, बस बहुत हो गया। चलिए अपना काम करिए, सबको अपना काम करने दीजिए। ट्रैफिक जाम हो गया आपकी वजह से। मुझे लगा था आप इन सबसे अलग होंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि आप भी इसी भीड़ का एक हिस्सा है। सिर्फ पहनावे में थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन सोच इन्हीं लोगों की तरह घटिया है आपकी। मुझे लगा था आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप तो मेरे सपोर्ट से आप पार्लियामेंट नहीं चली जाएंगी मैडम। सपोर्ट चाहिए, और क्यों सपोर्ट करूं मैं आपका? हाँ, आप ही को बनना ना मॉडर्न। लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, मिलाइए कंधा। तो ये सब झेलने और सुनने की आदत भी डालिए, समझी? सो कॉल्ड मॉडर्न एंड एडवांस लेडी, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सपोर्ट। लीव द रोड। चलिए चलिए निकले, चलिए भाई साहब, चलिए चलिए। अरे चलो यार। कर रही है मोड़ी, मना किया था ना, छोड़े से जे तो कोई भी कर लेगा। चल तू चल के आराम कर ले। दादी जरा सा है, अभी हो जाएगा। अरे दादी की बच्ची, ऐसों में थकान दिखेगी तुम्हारे चेहरे पे सामने। और तू शर्म नहीं आ रही है, घोड़ी जैसी हो गई। अरे बहन का ब्याह है और बहन काम कर रही है, और तू सिंगार करने में लगी है। हाँ तो इकलौती साली जो है हम, हमारा सुंदर दिखना तो बहुत जरूरी है। सबकी नजर ना हमारे पे ही होनी चाहिए, क्यों दादी? अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। चले ये लेप चेहरा पे लगा के आराम कर ले थोड़ी देर। दादी अभी नहीं। अरे बादाम, पिस्ता, गुलाब की पंखुड़ी और चंदन मिला के हम खुद ही बना के लाए हैं लेप। एक चेहरे पे लगाओगी तो एकदम निखर जाओगे तुम्हारे चेहरों। लो जी, यहाँ बादाम खाने के लिए नसीब नहीं हो रहा और चेहरे पे लगाए जाने की चिरौरी हो रही है। वाजी लगाओ, सब लोग लगाओ। दादी हम भी लगाएंगे वो दीदी वाला लेप। काय को लगाएगी तू लेप? चल लड्डू बना। मौसी रहने दो तुम, हम कर लेंगे। उर्मी बेटा थोड़ा सा लेप लगाकर थोड़ी देर सो ले। मम्मी सोएंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं, त्रिशा आने वाली है, अभी हम सब मिलके गप्पे मारेंगे बस। अच्छा ठीक है ना, सो पर जरा सा लगा के आराम कर ले। आ जा। अच्छा हम खुद ही लगाए दे। दादी आ जा। आना। क्या है भाई साहब, ठीक से नहीं चल सकते हो? चला करो। त्रिशा दीदी, त्रिशा बदमाश का नाम लिया और बदमाश हाजिर। कहां रह गई थी मैडम, कहां रह गई थी मेरी झांसी की रानी? कब से तुझे वेट कर रहे थे, कहां रह गई थी? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू त्रिशा दीदी। चुटकी ऐसे हो आप? बिल्कुल ठीक। भले से आ गई बेटा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना। बस बस बस, आप कैसी हैं? ठीक हो बेटा। नमस्ते दादी। खुश रहो बेटा। भाभी नमस्ते। प्रणाम।
क्या हुआ मेरी मोड़ी को? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बिटिया, क्या बात है? किसी से लड़के आई है के? क्या बताऊं पापा, बीच रास्ते में मेरा ऑटो खराब हो गया। दूसरा ऑटो लेने जा रही थी, पीछे से तीन लड़के बाइक पे आए और इतनी गंदी लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे थे, मैं क्या बताऊं। और यहाँ के लोग भी कैसे, लड़की को बीच रास्ते में कोई छेड़ रहा है, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और फिर उस पूरी भीड़ में एक ढंग का लड़का, दिखने में मुझे लगा पढ़ा लिखा होगा, मेरी साइड लेगा, लेकिन नहीं, मुझे ही डांट रहा है कि मैं तमाशा क्रिएट कर रही हूँ बीच रास्ते में। क्या? हाँ, और मुझसे कहता है मेरे कपड़े ठीक नहीं है। मैडम, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल्स, ऐसे कह रहा था मुझे। ऐसे लोग ना अपने घर की बहू बेटियों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। पता नहीं कैसी औरतें होंगी इसके घर की जो इसे झेलती होंगी, इसकी बीवी से कैसे बर्दाश्त करती होगी। ऐसे आदमी के साथ तो कोई भी औरत रहेगी उसका जीवन नरक ही बन जाएगा।